हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूं बेंगलोर एयरपोर्ट जी हाँ दोस्तों, केम्पेगौड़ा। और यहां पर जो है अराइवल सेक्शन में अभी मैं आया हूं। और देखिए मेरे पीछे जो है लगेज के जो है बेल्ट्स हैं वो हैं, और काफ़ी जो है सुंदर और बहुत बड़ा जो है एयरपोर्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त जो एयरपोर्ट है, और भारत का जो है ये लगभग तीसरा बड़ा जो एयरपोर्ट है जहाँ से जो है फ्लाइट्स वगैरह जो है मूव करती रहती है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा जो है। तो दोस्तों आगे वीडियो में देखते हैं बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है उसका जो है अराइवल सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये जो है अराइवल सेक्शन है, टर्मिनस वन जो है उसका जो है अराइवल सेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है दो जो है टर्मिनस जो है बने हुए हैं, और उनके बारे में भी जो मैं आपको जो है मेरे जो अगले वीडियो हैं उनमें दिखाऊँगा। देखिए बेंगलोर जो कि जो है गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर जो है ग्रीनरी और गार्डन के ऊपर जो है बेसिकली जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है, और बेंगलोर की पहचान भी इसी पे है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो हवाई अड्डा है जो कि टर्मिनस वन जो है ये जो है साल 2008 में जो है बना था, और इसका नाम जो है केम्पेगौड़ा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ा। जी हाँ दोस्तों, केम्पेगौड़ा जी जो कि जो है बेंगलोर के जो है फाउंडर भी माने जाते हैं, और उन्हीं के नाम पर जो है इस एयरपोर्ट का जो नाम जो रखा गया था। इससे पहले जो है दोस्तों 2008 से पहले जो है यहाँ पर जो है HL का जो एयरपोर्ट था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड करके है उसका जो एयरपोर्ट था, वहीं जो है सिटी को जो है काम में आता था। बाद में जो है सिटी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर जो देवनअली जो जगह है वहाँ पर जो है इस एयरपोर्ट का जो निर्माण किया गया, और 2008 से ही जो है ये वाला जो टर्मिनस वन है यह जो है ऑपरेट हो रहा है। और टर्मिनस टू जो है 2019 में उसका जो है शिलान्यास हुआ था, और अभी जो है 2023 में जो है वहाँ पर जो है फ्लाइट ऑपरेशंस वगैरह जो है चालू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए काफ़ी जो है बड़ा लंबा चौड़ा सुंदर सा जो यह एयरपोर्ट है, और ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों यह जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जो है ऑन किया जाता है, और ऑपरेट भी उसी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफ इंडिया जो का जो है लगभग 14 से 15 स्टेक जो उस कंपनी में है, बाकी यह जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है जो कंपनी बनाई गई है उसी के द्वारा जो है ऑन और जो है ऑपरेट किया जाता है। लेकिन यह जो है काफ़ी सुंदर और काफ़ी जो बड़ी जगह पर जो है फैला हुआ जो एयरपोर्ट है। साथ ही जो दोस्तों ये कर्नाटक का पहला एयरपोर्ट है जो कि जो है सोलर पावर से ऑपरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा जो ओल्ड एयरपोर्ट है उसको जो है सोलर पावर द्वारा ही जो है जितना भी जो है कंजप्शन है लाइट का वह जो है सोलर के द्वारा जो पावर जनरेट होता है उसी के द्वारा जो। और यहाँ देखिए सुंदर सा जो है आई लव बेंगलोर करके जो है बाहर की तरफ जो जहाँ पर जो है टैक्सी वगैरह का जो रहता है स्टैंड, वहाँ पर जो है सुंदर सा ये लगाया हुआ है जहाँ पर जो है लोग पाग जो भी आते हैं तो सेल्फी वगैरह जो यहाँ से लेते हैं। और बाहर भी जो है काफ़ी बड़ा जो है ये देखिए बड़ी सी बिल्डिंग है, और इसी में जो है दोस्तों सेम फ्लोर पर जो है अराइवल और डिपार्चर जो है सेक्शन बनाए हुए हैं। यहाँ दोस्तों आधे आधे पोर्शन में इन्होंने जो है इस प्रकार से किया हुआ है, आधे पोर्शन में अराइवल सेक्शन है और आधे में जो है डिपार्चर सेक्शन है। और बाहर की तरफ जो देखिए इतना बड़ा सा जो है यहाँ पर जो है इस एयरपोर्ट की जो छत है, और इसका जो आकार है वह भी जो है अपने आप में जो है अलग ही आकार है, और बड़ा ही सुंदर तरीके से जो है बनाया हुआ है। और ये जो है दोस्तों प्राइवेट जो टैक्सी स्टैंड रहता है वो है जहाँ पर जो है जो भी जो है यहाँ पर यात्री आते हैं वो अपना जो टैक्सी जो है लेकर जो है जा सकते हैं। साथ ही जो है दोस्तों टर्मिनस टू और वन के बीच जो अभी टर्मिनस टू बना है नया वाला, और टर्मिनस वन पर तो हैं जो दोस्तों डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं वही जो हैंडल की जाती है, और जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं इंडिगो है, एयर इंडिया हो गया, आकाशा एयर है, स्पाइस जेट है, सारी कंपनियाँ जो है यहाँ से जो है अपनी फ्लाइट्स जो है मूव करती है। इसके अलावा जो है दोस्तों टर्मिनस टू है वहाँ पर जो है मेनली वो इंटरनेशनल जो है फ़्लाइट्स होती है उनको हैंडल करता है, साथ ही जो है कुछ डोमेस्टिक जो है फ़्लाइट्स उनको भी वो हैंडल करता है। काफ़ी जो है सुंदर सा वो बनाया हुआ है। और ये जो है दोस्तों ये देखिए जो शटल बस खड़ी है ये जो है टर्मिनस वन से टर्मिनस टू तक जाती है, और टर्मिनस टू से वापस जो आप टर्मिनस वन तक जो है आ सकते हैं। शटल बस जो लगाई हुई है यहीं से जो आपको एक टर्मिनस से जो है दूसरे टर्मिनस तक जाना होता है, लगभग जो है 2-1 किलोमीटर की दूरी पर जो है दूसरा वाला टर्मिनस स्थित है। वैसे जो आपको सामने से दिखाई पड़ता है लेकिन उसका जो रास्ता है थोड़ा घूम के जाता है, इसलिए जो है 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थित है। और ये देखिए जैसे बिल्डिंग का मैं कर रहा था, और ये जो पूरा जो गार्डन है बाहर की तरफ जो लगाया हुआ है, इसके अलावा जो है पेडेस्ट्रियन है उनके लिए भी जो है पूरा जो है ओवरब्रिज जो वॉकवे बनाया हुआ है ताकि वहाँ से भी जाके जो है पार्किंग तक जा सकते हैं जहाँ बाहर जो है पार्किंग जो स्थल बनाया हुआ है गाड़ियों और बाइक्स के लिए, और दूर से जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। साथ ही ये देखिए सामने जो दिख रहा है दोस्तों ताज होटल है, वो भी जो है यहाँ पर इसी एयरपोर्ट के जो है प्रेमाइसिस के पास में स्थित है, तो जो बड़े बड़े जो भी डेलीगेट्स आते हैं तो वहीं पर जो है आराम से जो स्टे कर सकते हैं। 5-स्टार जो होटल है ताज
वो जो यहाँ पर बनी हुई है। और इधर देखिए सुंदर सा जो है पूरा जो है इन्होंने रोड्स के दोनों साइड में जो है गार्डन वगैरह मेंटेन किया गया है। और यहाँ इससे जो देखिए जो है टर्मिनल टू की तरफ रास्ता जा रहा है। इसके अलावा जो भी जो है 7 से 8 लेन जो है रोड बना रखा है नीचे की तरफ, ताकि जहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं रहे और जितने भी व्हीकल्स वगैरह वो इधर से उधर मूव करते रहें, काफ़ी जो है ईजी रहता है। और फुल जो है एयरपोर्ट जो है दोस्तों यहाँ पर रहता है, क्योंकि भारत का ये तीसरा जो सबसे जो है बिगेस्ट एयरपोर्ट है, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग बाग आते हैं, क्योंकि बेंगलोर जो है टेक सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जो है फ्रिक्वेंट जो डेलीगेट्स वगैरह जो होते हैं या यात्री होते हैं उनकी विजिट्स होती रहती हैं। और दूर से देखिए टर्मिनस 1 की जो है छत जो है कितनी जो है सुंदर से दिखाई दे रही है। और यही जो था टर्मिनस 1 जो है बेंगलोर एयरपोर्ट का, इसके बारे में आपने जो दोस्तों इस वीडियो में पूरा देखा और सुना। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार के जो और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।